I am very, very excited about today's screening because it's just not because ये पूरी शो कास्ट प्रोडक्शन सब कुछ जो है वो दोस्तों का है इसलिए नहीं बल्कि द प्रोमो इज अमेजिंग वट एवर आईव सीन द सॉन्ग्स आर अमेजिंग एक्चुअली द शो इज लुकिंग वेरी वेरी गुड सो आई एम एज अ फैन वेरी एक्साइटेड टू सी द शो एंड प्लस ऑब्वियसली क्रिस्टू इज देयर इट्स तनवीर शो इट्स एकता मैम शो So it's like I'm very excited and I'm here with very very high expectations. See, I think acting is all about this and I'm glad that she's doing this because we've known each other. We've actually pretty much we started our careers together. I'm very very happy for her and that's what digital is all about because hum logon ne television kiya hai saalon saalon tak and digital mein now we are getting opportunities where we can play different characters. So I'm looking forward that how she's going to play this character and she's I think this is completely opposite real life yeah. Crystal so I'm sure that she's a great actress so I'm sure she's done a good job actually bahut zyada excitement thodi nervousness hai aap logo ne dekha abhi upar nahi haan ji acha to theek hai to thodi nervousness meri kam ho rahi hai ye sab sunke but honestly feeling a little confident about it and trailer ko acha response mila hai and gaano ko kafi acha response mila hai so I think we are at least 50% there and baki to jab streaming hogi we'll get to know but I believe we have made a decent project yes Ekta Kapoor se unhone kaha tha that she was very happy with me she complimented me she said that she was very happy with the way I looked so yeah that was the best compliment that I had for the show एक्चुअली बहुत ज़्यादा आई एम नॉट इवन किडिंग बिकॉज तो हमारा एक ग्रुप बन गया था क्रिस्टल मैं अनुष्का वी हैड हमारे जो डायरेक्टर हैं सैंडी सर हमारे डी ओ पी है अनुभव वी बिकेम काइंड ऑफ अ ग्रुप एंड एवरी नाइट वी यूज टू गो आफ्टर द शो वी यूज टू गो चिल आउट एंड यूज टू डिस्कस वी वुड हैव अ पिचिंग सेशन एज वेल एंड यूज टू बी लॉट ऑफ फन बिजनेस है एक्साइटमेंट से ज़्यादा इस वक्त बिकॉज मेरा पहला वेब शो है तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ एंड एक्साइटेड हाँ ऑब्वियसली मेरे सारे फैमिली फ्रेंड्स बचपन के दोस्त सब यहाँ हैं सो आई मीन देयर फीडबैक मैटर्स टू मी अ लॉट सो दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव माय लव्ड वंस विद मी हियर टुडे ऑनेस्टली व्हेन इट कम्स टू वर्किंग विद ऑल्ट बालाजी ऐसा लगता है कि घर में ही काम कर रहे हैं सो इट्स वेरी कम्फर्टिंग एंड ऑफकोर्स Zee5 के साथ भी मैंने काम किया है सो एवरीथिंग फील्स लाइक फैमिली नथिंग इज़ ब्रांड न्यू ऑफकोर्स जस्ट द प्लेटफॉर्म्स आर OTT नाउ बट दैट्स अबाउट इट आज पता चलेगा इंडस्ट्री से भी कैसे फीडबैक्स आ रहे हैं लेकिन ट्रेलर देख के सबको बहुत पसंद आ रहा है सब ने बोला है कि आई एम लुकिंग वेरी डिफरेंट वी आर लुकिंग वेरी गुड सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर शोइंग अ न्यू साइड ऑफ मी टू द वर्ल्ड आज का लुक इज़ कम्प्लीटली ऑन माई टीम मैंने कुछ नहीं किया है मैं एक चेयर में बैठी थी कैश मेकअप आर्टिस्ट्री हैज़ डन माई एंटायर मेकअप हेयर बाय कैश एंड शबनम एंड मेघा हैज़ स्टाइल्ड मी सो आई हैव लिटरली डन नथिंग आई वॉज वेरी नर्वस कि मैं क्या करूँ तो मैं एक चेयर में चुपचाप बैठी एंड आई थिंक द रिजल्ट इज नॉट टू बैड कौन अनुष्का कौन आदित्य बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके मोर देन काम आई थिंक फ्रेंडशिप हमारी बहुत अच्छी थी एंड बॉन्ड हमारा बहुत अच्छा बना सो आई फील वी वर द बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले वॉज गुड कभी जहन से यही नहीं जाएगी कि हम दिल्ली में एक जगह पे रुके थे ब्लूम में एंड उसके टेरिस पे हम सब रात को पैकअप के बाद बैठते थे और पूरे दिन की बातें करते थे आई थिंक दोज आर द बेस्ट मेमोरीज यू नो बिगनिंग के डेज हम सब बॉन्ड करते थे टेरिस पे तो मेरे लिए वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चैलेंजिंग नहीं है अगर आपको एक्टिंग पसंद है और ये आपका पैशन है तो कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है सब प्यार है मैं सारे दर्शकों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगी हैव अ फन वन एंड अ सेफ वन एज वेल थैंक यू मेरे कपड़े बदले बहुत सारा मेकअप बदला है सो आई एम फाइनली हियर आई एम एक्साइटेड आई वांटेड टू ड्रेस अप द राइट वे आई वांटेड टू लुक परफेक्ट बिकॉज इट्स अ वेरी परफेक्ट इवनिंग फॉर मी आज मेरा डेब्यू है वेब पे एंड आई होप दैट आई एम अप फॉर द ओकेजन एक हमने सिर्फ मज़ा किया है कैमरा लगा देते हम दो डायलॉग बोल के वापस मज़ा करना शुरू कर देते थे हमने एक्चुअली बहुत सीखा है आदित्य हैज़ बीन वर्किंग फॉर मेनी इयर्स सो हैज़ क्रिस्टल आई एम वेरी रिलेटिवली न्यू तो आई थिंक इट वॉज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद देम उनसे कुछ सीखने मिला होपफुली मैं कुछ उन्हें सिखा पाई सो इट वॉज अ गुड टीम वर्क एक्चुअली ऑनेस्टली आई एम सो एक्साइटेड आई डोंट थिंक इट कुड गेट बेटर एंड बिगर देन ऑल्ट एंड नाउ वी हैव Zee5 एज वेल आई थिंक इट्स अ बोन
it's a plus point. We work really hard, so hopefully we'll get all the eyeballs, all plus Z, plus everyone else, whoever wants to pick up the show. I mean, it's a very exciting feeling. It usually hota nahi ki ek platform ka show do teen different platforms pe aaye. So I would consider our show lucky, blessed, and myself blessed as well. I'm very excited because I know the both actresses really well, and I believe that you know, the chemistry that they've shown on the screen is quite interesting, and yeah, I want to know actually who's gonna get the guy. I think so far from what I've seen on the trailer, you can really see the love and the hatred and then the friendship that they have, the love towards the guy. So I've seen all of that. It's looking great. All of them are looking beautiful and handsome, and I can't wait to actually know the real story and who's gonna get the guy.